खबर आगरा जनपद से, जहां जल निगम के खिलाफ सड़क निर्माण को लेकर चल रहे धरने को देखते हुए आज जल निगम के सहायक अभियंता ए गिरीश कुमार व अवर अभियंता जे ललित कुमार के साथ R&C कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर ने धरना स्थल पर आकर सबको आश्वासन दिया कि हम 15 दिन के अंदर आपकी समस्याओं का समाधान कर देंगे। इनके आश्वासन देने के बाद धरना दे रहे सभी लोगों ने धरने को स्थगित कर दिया। पूरा मामला क्या है, देखिए यह रिपोर्ट। हमारे क्षेत्र में पिछले 3 वर्ष से गंगाजल का काम यहाँ चल रहा है। जल निगम के अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और भाजपा सरकार के सत्ता में बैठे हुए नेता लाचार हैं। कोई जनता इतनी परेशान है, लगातार सड़कें टूटी पड़ी हैं, धूल मिट्टी उड़ रही है, लोग अपने घर से बाहर निकलने में सोचते हैं, लेकिन अधिकारियों को कोई फर्क नहीं है। हमारी ये मांग कई महीनों से हम लगातार अधिकारियों से कहते रहे, इन सड़कों का आप निर्माण कराओ, लोग परेशान रहते हैं, जलभराव रहता है, टूटी हुई सड़कें हैं, धूल मिट्टी उड़ रही है, लेकिन अधिकारी इस बात को समझने पर तैयार नहीं है। आज हम सब लोगों ने मिलकर क्षेत्र जनता के साथ आज धरने पर बैठने में मजबूर हुए हैं। बालाजीपुरम अलवतिया रोड, आजमपाड़ा सब्जी मंडी रोड, न्यू आजमपाड़ा दौरोठा रोड, इन 3 रोडों के रोड हैं प्रमुख हमारे मार्ग हैं आने जाने के, ये तीनों रोड टूटे पड़े हैं। जल निगम के जो अधिकारी और ठेकेदार हैं, कंपनी जो काम कर रही है, वो बेलगाम हो चुके हैं, क्योंकि सरकार में नेता पूरी तरीके से सत्ता के नेता लाचार हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, तो जनता मजबूरन हम लोगों को आज धरने देने पर मजबूर होना पड़ा है। जब तक अधिकारी यहाँ आकर हमारी बातों को नहीं मानेंगे और ये सड़कों का निर्माण नहीं कराएंगे, तब तक धरना ये खत्म नहीं होगा।